नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत न्यूज़ से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस भीषण ठंड में एक दंपति जो हैं, वृद्ध दंपति जो हैं, आए हैं यहां श्री श्री आदि मंदिर में कम्बल के लिए। कम्बल इन्हें मिल गया है, लेकिन इनकी और भी समस्याएं, आइए जानते हैं इनकी क्या समस्याएं हैं। नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे जरा। सुशीला देवी। हाँ, इनको बोलने जा। सुशीला देवी, कहाँ रहती हैं आप? बगल में मजार पे। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जीतू चौधरी। आपका अपना घर है कि नहीं? नहीं। इंदिरा आवास योजना से भी आपको घर नहीं मिला है? नहीं मिला। घर में और कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में लड़का है, बेटा है, पुतो। ये कौन है आप? मेरी औरत है। आपकी पत्नी है? अच्छा अच्छा। केठो बेटा है आपको? चार गो है। चार गो बेटा, सब अलग अलग है। सब अलग। और साथ में कोई नहीं रखता है आपको? साथ में बड़का रखे हुए हैं। बड़का रखे हुए हैं? बड़का रखे हुए। तो पर उसको भी, बड़का को भी अपना मकान नहीं है? नहीं, अपना मकान नहीं है। क्या करता है आपका बेटा? काम करता है, उसका तिलंगी का। ओ, तिलंगी वाला। हाँ, क्या करे बाबा, कैसे कैसे करके पोसले नहीं बेटा। चार गो बेटा, एगो बेटी। सब चारों बेटा का, चार बेगो बेटी के, सबको ब्याह, सबके शादी हो गए। सब, सब खुश खुशी में है, सुख में। अपना घर ना हवा तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से, अभी तो आए हुए हैं उप मुख्यमंत्री भी, तारकेश्वर प्रसाद भी आए हैं, तो सरकार से जो कहे लगी हवा से कह, हाथ जोड़ के कहा, जो कहे लगे घर ना हवा तोरा। हम बोला दोनों को बोलिया, तुम बोला वो बोलते सरकार। हम, मेरे घर नहीं है सरकार, अनाथ है। हम मजार पर रहते हैं, चित्रगुप्त मंदिर के बगल में जो नीम का पेड़ है मजार जी, उसी मजार पर हम बुढ़वा बुढ़िया रहते हैं इस ठंड में। हाँ जी, जी। कहाँ है तो आप अपना घर के लिए कभी सरकार से कहें कि इंदिरा आवास के तहत हमको मकान मिलना चाहिए? पहुँचे नहीं सरकार, पहुँच नहीं है। एक तो जाहिल है, सब कुछ ना बता है, कोई नहीं बताता। आदमी हम हैं। आप क्या काम करते हैं? हम वही लटाई उचका का। ओ, लटाई उचका का काम करते हैं। इसमें तो चूल्हा भी बहुत मुश्किल से जलता होगा आपके घर में खाना के लिए। रात में तो बहुत ठंड लगती होगी, अपना घर नहीं है। आज तो आपको कंबल मिल गया यहाँ सांसद, पूर्व सांसद बीजेपी आर के सिन्हा के द्वारा। ये तो उनको धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दिए ना। बाल बच्चा खुश आबाद रहे जी, और दीर्घायु रहे। हम तो छोटा पत्रकार हैं, हम तो यही कह सकते सरकार के पास आपका दुखरा जो है वो सरकार के पास जाएगा। आपके पास, आपको अभी सबसे बड़ा दिक्कत, आपके पास घर नहीं है, उसका दिक्कत है ना। तो वही सरकार से कि कहिए, क्या कहना सरकार को, कहिए बोलिए। सरकार मेरे एक आध घर दे दीजिए, वो इंदिरा आवास योजना के। इंदिरा आवास योजना का आने, जो प्रधानमंत्री आवास योजना भी अभी नया आया है, उसी के तहत आपको मिल जाए कम से कम रहने के लिए, सर छिपाने के लिए, है कि नहीं, इस बुढ़ापा में। यही मोहल्ला में? हाँ, यही सुदामा जी हमारे बारे में खूब जानते हैं, बचपन से। कोई काम हो, हम बाहर जाके नहीं बैठे हुए, मेरा जन्मभूमि यहाँ है। सास ससुर घर बेच दे रख राजा हमार, सास ससुर सब बेच दे रख। कैसे कैसे चौका बर्तन का निकाली, सबके पोसली बेटा हम अपन। बहुत परिश्रम से पोसा है। एगो बड़का आया फिर पास करा देने बउआ, चौका बर्तन वही बड़का रखे हुए हैं। बड़का रखे हुए वो भी किराया घर में रहता है। आगे हम तो बुढ़ा बुढ़िया मजार पर रहते हैं। मजार पर रहते हैं, वहाँ पर छत है क्या? छत है मजार पे? हाँ, वो करकट बिछाए हुए हैं और उसी में आप सोते हैं। खाना अपने से बनाते हैं? खाना अपने से बनाते हैं कि बेटा क्या बनता है? वही बेटा पुतोहिया बड़का दे देता है, मतलब खाना मिलता है ना। हाँ, खाना मिलता है। चलिए, भगवान का आशीर्वाद है कि बुढ़ापा में खाना तो बेगो बेटा दे रहा है। खाना मिल जाता है, होगा। देखिए, बाकी तो ऊपर वाला का माया है, सब उन्हीं का माया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दुखी मत होइए, खुश रहिए। मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार।